हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया फ्रांस और इंडिया यूएसए के बारे में देखिए इंडिया यूएस के रिश्ते पिछले दो दशकों में काफी अच्छे हुए हैं द सेम इज द केस विथ फ्रांस ऑल्सो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या इंडिया की जो पार्टनरशिप हो रही है फ्रांस के साथ क्या वो इक्लिप्स कर जा रही है जो हमारे रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो हम लोग बात करेंगे कंपेरिजन ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशन विद इंडिया यूएस और यहां पर हमारा फोकस रहेगा ऑन द इंडो पेसिफिक रीजन क्योंकि हाल ही में कुछ डेवलपमेंट आई है स्पेशली फ्रांस और इंडिया के बीच जिनका फोकस है इंडो पेसिफिक के ऊपर सो लेट एस बिगिन आर डिस्कशन लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साहकर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन दी गिवन आईडीज स्टडी आई क्यू हैज ब्रॉट अ स्मार्ट कोर्स फॉर यू फोर यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी वन For more information, download the app मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोडर अपॉइंट किया है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इंडो पैसे वो एक जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक रियालिटी है इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें फ्रांस की पहला यूरोपियन देश है जिन्होंने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी लॉन्च की इसके बाद जर्मनी ने भी फॉलो किया उन्होंने भी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी लॉन्च की यूरोपियन यूनियन की ही एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बातें हो रही है साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें फ्रांस की तो फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है उसमें फोकस है इंडिया और फ्रांस के ऊपर उन्होंने कहा है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ आवर इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट्स तो आज हम लोग बात करेंगे इंडो पैसिफिक के बारे में क्योंकि इंडो पैसिफिक जुड़ा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी और कंपेयर करेंगे यूएस और फ्रांस को कि क्या कर रहे हैं वो लोग इंडो पैसिफिक में और स्पेसिफिकली इंडिया के साथ तो चलिए सबसे पहले इंडो पैसिफिक के बारे में बात करते हैं देखिए इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन रीजन जो आता है उसको कहते हैं इंडो पैसिफिक और स्ट्रेंजली अगर आपको लग रहा होगी फ्रांस तो आता है यूरोपियन साइड में यहाँ पे तो फ्रांस क्या कर रहा है इंडो पैसिफिक में तो इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी ही देर में तो जो इंडो पैसिफिक का डिस्कशन है पैराडाइम है ये कब से शुरू हुआ इंडो पैसिफिक से पहले लोग बातें करते थे एशिया पैसिफिक के बारे में लेकिन जब से ट्रंप सरकार आई है ट्रंप सरकार ने एक पैराडाइम ही बदल दिया है डिस्कशन का एशिया पैसिफिक से टर्न किया है उन्होंने इंडो पैसिफिक की तरफ उनका एक उद्देश्य भी था उद्देश्य क्या था मेनली टू काउंटर द चाइनीज चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द चाइना सी बेसिकली दी ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी हैज बीन इंक्रीजिंग मोर एंड मोर काउंटर टू सर्टन एक्सटेंट उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई कि मतलब इंडिया को एक पिवट बना केवन तो इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें फॉरन पॉलिसी की यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में यूएस फॉरन पॉलिसी एक स्टेटमेंट से जो पेंटागन ने कहा था उससे हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं इंडो पैसिफिक में उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है कि वो अमेरिका की जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है इस रीजन के साथ बढ़ाए जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उस चीज को बढ़ाए और जो रूल मेकिंग पोटेंशियल है यानी कि फ्री सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन चाहते हैं वो इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन चाहते हैं यहां पे तो इन सबको बढ़ावा दे किस तरह अपने की पार्टनर्स को साथ में लेकर की पार्टनर्स जैसे कि जापान हो गया इंडिया हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया ये सारे उनके की पार्टनर्स हैं इनको साथ में लेकर एक रीजनल ब्लॉक बनाए इंडो पैसिफिक रीजनल ब्लॉक जिससे कि वो काउंटर कर सके चाइना को तो ये था उद्देश्य ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट लेगेसी रह जाएगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की क्योंकि ऑलरेडी इंडिकेशन आ चुकी हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करेंगे आगे चल के लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडो पैसिफिक की शुरुआत किसने की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ने की लेकिन उस पर इन कौन कर रहा है उस पर कैश इन कर रहा है फ्रांस चलिए बात करते हैं कैसे फ्रांस कैश इन कर रहा है सबसे पहले तो 2017 में ट्रंप ने अनवेल की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी उसके अगले ही साल इमैनुअल मैक्रो ने भी फॉलो किया उन्होंने दो में इंडिया को विजिट दी और इंडिया और फ्रांस ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वी हैव अ अट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन इन द इंडियन ओशन रीजन जहां पे इंडिया और फ्रांस fact, इस स्टेटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी था मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि फ्रांस तो यूरोप में है तो वो इंडियन ओशन में क्या कर रहे हैं देखिए फ्रांस की जो पहले कॉलोनीज थी वो उनके साथ अभी भी काफी अटैच्ड है जैसे कि फ्रांस की टेरिटरीज बहुत ज्यादा स्प्रेड है ब्रिटेन और फ्रांस की बहुत ज्यादा कॉलोनीज थी तो उनके टेरिटरीज बहुत ज्यादा स्प्रेड थे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फ्रांस की टेरिटरीज है जैसे कि ला यूनियन मेयो, फ्रेंच सदर्न एंड अंटार्कटिक जो टेरिटरीज है उनकी वो इंडियन ओशन से लगी हुई और इस स्टेटमेंट में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि फ्रांस इज आइडेंटिफाइड एज अ स्टेट विच इज ऑन द इंडियन ओशन रिम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूएस और फ्रांस की देखिए 2013 से लेकर 2017 इन पांच सालों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को बहुत ज्यादा आर्म्स एंड दिए हैं इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 550 परसेंट इंक्रीज हुआ है यूएस आर्म्स एक्सपोर्ट्स टू इंडिया सबको लगता है कि यूएस ही मेजर एक्सपोर्टर है नहीं अगर हम लोग बात करें फ्रांस इसी अवधि में फ्रांस ने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए हैं 572 हंड्रेड एंड सेवेंटी टू परसेंट मे बी नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फ्रांस यूएस से भी आगे है इन टर्म्स ऑफ एंगेजिंग इंडिया थ्रू डिफेंस और अगर हम लोग बात करें क्या स्पेशलिटी है देखिए इंडिया यूएस का जो रिलेशन रहा है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड डायमोनीशंस वो बायर और सेलर का रहा है बहुत हद तक देखिए रशिया ने इंडिया के साथ ब्रह्मोस डेवलप किया यूएस और इंडिया का बायर सेलर रिलेशन ही रहा है बहुत दिनों से लेकिन फ्रांस ने कुछ डेवलपमेंट किए हैं फ्रांस ने कहा है कि हम रफाल जेट देंगे और रफाल जेट आना ऑलरेडी शुरू हो चुका है इंडिया में इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन मतलब मैरिटाइम रीजन वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी शिप्स की मैरिटाइम वेसल्स की और सबमरीन्स की तो यहाँ पे फ्रांस ने बहुत ही श्रूडली प्रोजेक्ट 75 रीस्टार्ट किया है प्रोजेक्ट 75 में उन्होंने स्कॉर्पिन सबमरीन्स का जो डेवलपमेंट होता है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात की है तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि फ्रांस इज अगेन इनवॉल्विंग इटसेल्फ इन मैरिटाइम डोमेन इन द इंडियन ओशन रीजन इन द इंडो-पैसिफिक रीजन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फ्रांस और क्या कर रहा है फ्रांस भी वेरी सिमिलर टू यूनाइटेड स्टेट्स वो बायलैटरल ट्राइलैटरल मल्टीलैटरल फोरम्स की तरफ मूव कर रहा है मैंने आपको बताया कि यूएस की क्या स्ट्रेटजी है पेंटागन ने कहा कि वो अपनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाएंगे सिक्योरिटी रिलेशंस बढ़ाएंगे और मेकिंग रिलेशंस बढ़ाएंगे किसके साथ जो देश है उनके एलाइंस जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया फ्रांस भी वही कर रहा है फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन ने उन्होंने 2018 में अनाउंस किया था कि इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के ट्राइलैटरल बनेगा इनफैक्ट उसको फाइनलाइज भी किया और अगर हम लोग 2020 की बात करें तो ये तीनों पार्टनरों ने एक रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट साइन किया हुआ है देखिए मार्च 2018 में ही इंडिया और फ्रांस के बीच एक रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया गया आर्म फोर्सेस रेसिप्रोकल सपोर्ट के बारे में उसके अलावा मे दो में, 2018 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया और हाल ही में मे 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया है यानी कि एक ट्राई बन चुका है आर्म फोर्सेस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का अगेन विच वॉज बेसिकली प्रपोज बाई फ्रांस तो फ्रांस इज डूइंग अ लॉट और हम लोग जानते हैं कि 2015 से इंडिया और फ्रांस की तो काफी करीबी डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2019 में फ्रांस के जो नेवी चीफ हैं क्रिस्तफी प्राजुक उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया और फ्रांस जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे इंडियन ओशन रीजन में और अल्टीमेटली उनका स्टेटमेंट सच हुआ 2020 में इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली पेट्रोल किया रियूनियन आइलैंड को और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है फ्रेंच नेवी के जो लोग थे वो इंडियन नेवी के एट आई मैरिटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑन बोर्ड थे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है तो इन सब चीजों से हम लोग एक कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हैं कंक्लूजन क्या है कि फ्रांस इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा फैलाना चाहता है फ्रांस इन्वॉल्व होना चाहता है तो फ्रांस हो भी रहा है और इंडिया ने उनको अपॉर्चुनिटी भी दी है तो क्या इसका मतलब है इंडिया को वापस कुछ नहीं मिल रहा है देखिए अगर हम लोग बात करें एक तरह का क्विड प्रो को जरूर हो रहा है फ्रांस को इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन में जगह दी है ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाए यहां पे फ्रांस वापस दे रहा है फ्रांस इज हेल्पिंग इंडिया टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट्स एल्सवेयर जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको फ्रांस ने फैसिलिटेट किया जो इंडिया का नेवी लियजन ऑफिसर रीजनल मैरिटाइम इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर है मैडागस्कर में वहां पे उन्होंने फैसिलिटेट कि, किया कि इंडियन नेवी के एक लियजन ऑफिसर वहां पे हो और वो ऑलरेडी हो चुका है इसके अलावा ऑलरेडी खबरें आ रही हैं कि फ्रांस इज हेल्पिंग इंडिया टू इंक्लूड इंडिया इन यूरोपियन मैरिटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहां पे है पर्शियन गल्फ के बगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है देखिए ईरान हमारा एलाय है और हम लोगों ने इस चाबहार पोर्ट को ईरान के साथ डेवलप किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है एक गल्फ रीजन की तरफ एक्सेस जरूर मिलता है यहां पे तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन मैरिटाइम एक्सेस इन स्ट्रेट ऑफ में जिसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी में उस उसके अंदर इंडिया को इंक्लूड करने की बात चल रही है और फ्रांस इसमें मदद कर रहा है इंडिया की यानी कि इंडिया मदद कर रहा है फ्रांस की इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस मदद कर रहा है इंडिया की एल्सवेयर तो इसका मतलब है इंडिया फ्रांस रिलेशंस आर ग्रोइंग अ लॉट इन सब से एक सवाल जरूर उठ जाता है सवाल है ये कि क्या इंडिया प्रेफर कर रहा है पेरिस को वॉशिंगटन के ऊपर यानी कि इंडिया इज इट प्रेफरिंग फ्रांस ओवर वॉशिंगटन एक सवाल जरूर उठ जाता है अगर इसका जवाब चाहिए तो राइट नाउ इट इज टू अर्ली टू से क्योंकि अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल देश है फ्रांस इज राइट नाउ ट्राइंग टू बिकम अ लीडर उनका ऑलरेडी एक चैलेंज भी है यूरोपियन यूनियन में ही जर्मनी तो जर्मनी और फ्रांस आर टू मोस्ट पावरफुल नेशंस इन यूरोपियन यूनियन तो फ्रांस इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स डोमेन लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक यू एस ए इज गोइंग टू रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया इन द इंडो पेसिफिक ऑल दो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठ जाता है क्योंकि अभी सरकार बदल रही है यूनाइटेड स्टेट्स ने जो इंडो पेसिफिक स्ट्रेटजी थी वो डोनल्ड ट्रंप की थी और अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे ऑल दो उन्होंने कहा है कि ही माइट कंटिन्यू द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बट हाउ इज इट गोइंग टू शेप अप वी डू नॉट नो विल इंडिया बी द मेजर पार्टनर देर वी डू नॉट नो तो इन सब के ऊपर सवाल एक जरूर बनता है साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि फ्रांस एक रेसिडेंट पावर बन चुका है अभी इंडियन ओशन रीजन में क्योंकि उनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा हो चुकी है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शुरू कर दी है इंडिया के साथ रिलेशंस काफी बढ़ा दिए तो इससे हम लोग एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि वो लोग कंटिन्यूसली चैलेंज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को एज एन इंडियन पार्टनर इन द इंडियन ओशन रीजन और सब लोग जानते हैं कि अगर इंडियन ओशन रीजन में दबदबा बनाना है तो इंडिया हैज टू बी एन एल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ओनली टाइम विल टेल विल फ्रेंच पिप यूएस थ्रू इट्स रिलेशन with india let's see so stay tuned that's it from my side on this part of discussion thank you for watching jai hind